नीरज चोपड़ा ने फिर रचा इतिहास। पानीपत के खंडरा गांव में जश्न का माहौल। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे दी बधाई। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। बल्कि नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं, जिन्होंने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ ये उपलब्धि हासिल की। पाकिस्तान के अरशद नदीम को हराकर नीरज चोपड़ा ने ये मुकाम हासिल किया। वहीं नीरज चोपड़ा के पदक जीतते ही उनके घर और गांव में जश्न का माहौल है। गांव में लड्डू बांटकर नीरज की जीत की खुशी मनाई जा रही है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। सीएम खट्टर ने कहा, भारत के चमकते सितारे को मेरी हार्दिक बधाई। इसके साथ साथ हरियाणा के सीएम ने विधानसभा के अंदर भी नीरज चोपड़ा की तारीफ की और बधाई दी। क्या कुछ कहा उन्होंने विधानसभा के अंदर, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपना देश भारत विश्व में कई क्षेत्रों के अंदर और एक प्रकार से अपनी चैंपियन की भूमिका निभाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नीरज चोपड़ा, जो अपने हरियाणा का एक बेस्ट एथलेटिक्स है, उसने भी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि भारतवर्ष का पहला युवक जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं नीरज चोपड़ा को उनके खेल खिलाने में उनका जो सहयोग करते हैं, चाहे उनके कोचेज हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, उनको सबको बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि नीरज चोपड़ा युवाओं को प्रेरणा देकर के इसी प्रकार हरियाणा का, न केवल हरियाणा का बल्कि देश का नाम भी ऊंचा करने में अन्य युवक उनसे प्रेरणा लेंगे। वैसे चाहे हमारा देश की रक्षा के अंदर या खेलों के अंदर हरियाणा का जो योगदान है, उस योगदान में हरियाणा के युवक आगे बढ़ रहे हैं। मैं हरियाणा सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार की आवश्यकता हरियाणा की ओर से हमारे युवा अपेक्षा करेंगे, हर प्रकार की सहायता हम उनकी करते रहेंगे, ऐसा ताकि हमारा हरियाणा और देश लगातार इन क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़ता रहे। आपको बता दें, नीरज चोपड़ा पानीपत जिले के खंडरा गांव के रहने वाले हैं। उनके प्रदर्शन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने मैच से पहले ही माना था कि उनका बेटा इस बार स्वर्ण पदक जीतकर लाएगा। नीरज के जीतते ही गांव में दिवाली जैसा माहौल हो गया। बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने पर उनके पिता सतीश ने कहा, यह हमारे परिवार, हमारे गांव और पूरे देश के लिए एक स्वर्णिम क्षण है। उनका स्वर्ण पदक देश के लिए एक खुशी का क्षण है। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और माता पिता को भी समझना चाहिए कि उनके बेटे को या उनकी बेटी को किस चीज की जरूरत है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर खेल का, उसमें बच्चों का साथ देना चाहिए। खुशी का दिन है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए। ये हमारे पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हम लोगों ने जैसा सोचा था उसके अनुरूप गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरे देश की जीत है, पूरे देश के लिए ही बहुत खुशी का दिन है। बहुत अच्छी तैयारियां थी उनकी और हमें उम्मीद भी थी कि वो बेहतर करेगा और उस पर वो खरा उतरा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय एथलेटिक्स गोल्डन बॉय ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल भी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।